हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्लोप कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमम इन सबों का स्टडी कर चुके हैं। अब आगे हमारा प्लानिंग है कि स्लोप कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट जो हमने स्टडी किया है उसका मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में क्या यूज है। मतलब हम लोग ये सीखेंगे कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में स्लोप कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा का कैसे यूज होता है, इन सारे बातों का डिस्कशन आज के क्लास का मोटो है। केस फर्स्ट से पहले हम ऊपर थोड़ा रिमाइंड आपको करवाना चाहेंगे। स्लोप एम इक्वल टू टाइम थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सारी बात आप पढ़ चुके हैं। स्लोप का वैल्यू टेन थीटा होता है। थीटा एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक वाइज। डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर वाई और एक्स रिलेशन दिया हुआ है तो वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वह हमारा हो गया स्लोप का कॉन्सेप्ट। लेकिन जब डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखते हैं, यह एक्स वाई प्लेन में जो वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं वह एक्स वाई प्लेन में डी वाई अपॉन डी एक्स आया। तो यहाँ पर जब स्लोप एक्स वाई प्लेन में आपने लिया तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। लेकिन अगर प्लेन चेंज कर देते हैं, एक्स एक्सिस के जगह पर टाइम एक्सिस ले लेते हैं और वाई एक्सिस के जगह पर कुछ भी पोजीशन का एक्सिस ले लेते हैं। केस फर्स्ट, पोजीशन टाइम प्लेन। पोजीशन टाइम प्लेन की अगर बात करें तो वाई एक्सिस पर अगर आप पोजीशन लेते हैं, एक्स एक्सिस पर पोजीशन के लिए एस भी लिखते हैं, एक्स भी लिखते हैं, वाई भी लिखते हैं, आर भी लिखते हैं। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। एक्स एक्सिस के अलोंग रहता है तो एक्स लिखते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग रहता है तो वाई लिखते हैं। पोजीशन जब डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है तो एस लिखते हैं, पोजीशन के लिए आर भी लिखते हैं। इसका ग्राफ जब लेंगे तो यहाँ पर स्लोप का वैल्यू क्या होगा। अब जैसे एक्स वाई प्लेन में आप लिख रहे थे स्लोप एम इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, y की जगह पर क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, x हो जाएगा, r हो जाएगा, ऐसा कुछ भी डी एस और डी एक्स की जगह पर डी टी, डी एस वाई डी टी। स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम प्लेन इक्वल टू डी एस वाई डी टी। और आप जानते हैं डी एस वाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, डी एस वाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। इससे ये पता चला कि पोजिशन टाइम प्लेन पर ग्राफ दिया हुआ है, इफ ग्राफ इज गिवेन एट पोजिशन टाइम प्लेन देन स्लोप एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यहां से कंक्लूजन क्या निकला, स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ gives the velocity of the particle, velocity of the particle। जैसे हमने केस फर्स्ट कंसीडर किया उसी तरीके से केस सेकेंड अब कंसीडर करते हैं। केस सेकेंड में पोजिशन टाइम ग्राफ के बदले अब क्या कंसीडर करें, पोजीशन टाइम ग्राफ के बदले में हम लोग कंसीडर करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसीडर करते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस पर वी ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पर टी ले लेते हैं। अब यहाँ पर स्लोप का वैल्यू क्या है, स्लोप एम इज इक्वल टू डी वी वाई डी टी। स्लोप एम इक्वल टू डी वी वाई डी टी होगा, वाई के जगह पर भी और एक्स के जगह पर भी। अब स्लोप एम के जगह पर अगर डी वी वाई डी टी हो गया तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। पहले से आप जान रहे हैं डी वी वाई डी टी क्या होता है,
एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। अब पार्टिकल के एक्सेलरेशन को जब रिप्रेजेंट करता है तो यहां से कंक्लूजन पॉइंट क्या हो गया, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। केस थर्ड, केस थर्ड की अगर हम बात करें तो केस थर्ड में अगर वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ दिया हुआ है तब कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ की अगर बात करें तो वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पर पोजीशन हमने ले लिया, पोजीशन को अगर एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप एम इक्वल टू डी वी बाई डी एस होता है। ये स्लोप क्या होता है, एम स्लोप एम इक्वल टू डी वी बाई डी एस, और स्लोप एम इक्वल टू डी वी बाई डी एस जब लिख रहे हैं तो ये स्पेशली कोई टर्म डिफाइंड नहीं है। फिजिक्स में डी वी बाई डी एस हम लोग डी वी क्या लिख रहे हैं, वेलोसिटी, और डी एस लिख रहे हैं पोजिशन। तो ऐसे ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, लेकिन जब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कोई टर्म हम नहीं जानते हैं यहाँ पर, हम एक्सेलरेशन जानते हैं। तो डी वी बाई डी एस का एक्सेलरेशन से क्या रिलेशन है, तो आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एस, इसका मतलब वी एस वेलोसिटी पोजिशन ग्राफ के स्लोप को अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब यहां से आप देखें कंक्लूजन पॉइंट में क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी पोजिशन ग्राफ मल्टीप्लाइड विथ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी पोजिशन ग्राफ मल्टीप्लाइड विथ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये थ्री केसेज में फर्स्ट टू केसेज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और थर्ड केसेज कभी कभी इस्तेमाल होता है। मतलब ये बताने का कोशिश किए कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट और सेकेंड फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, और थर्ड नंबर कभी कभी यूज होता है। केस थर्ड के बाद केस फोर, केस फोर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर दिया गया है, मान लो वाई एक्सिस पर आपने एक्सेलरेशन को ले रखा है, ए से रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन को किया, टी से टाइम को रिप्रेजेंट किया, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो इसके डिफरेंशिएशन से जो वैल्यू मिलता है ये स्लोप एम इज इक्वल टू डी ए वाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को हम लोग यर्क बोलते हैं, यर्क या इसी का सेकेंड टर्म होता है जॉल्ट, जो कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल में नीट और आईटी के पर्पज से नहीं के बराबर इस्तेमाल होता है, इसलिए ज़्यादा डिटेल इस पर हम जाने का प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि ये टर्म को याद रखें, कभी भी यर या जॉल्ट ऐसा कभी कोई टर्म आता है तो वह डी ए वाई डी टी होता है, जिसका डिस्कशन बहुत कम ही बुक में किया गया है। अभी जो हमने डिस्कस किया है डिफरेंट केसेज आप लोगों के सामने, और डिफरेंट केसेज क्या था कि पोजीशन टाइम ग्राफ पर स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर स्लोप
एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर स्लोप का वैल्यू यंग देता है। फिजिक्स में इस तरह का बहुत सारा टर्म होता है, बट हमारा डिस्कशन का मैटर मोशन एवं स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इस चैप्टर से आगे अभी हम बात नहीं करेंगे। स्लोप का पूरे फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है, आप कह सकते हैं तो पूरे फिजिक्स में स्लोप से रिलेटेड एटलीस्ट 100 न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव होता है पूरे फिजिक्स। एक एग्जांपल हमने आपके सामने रखा है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू हम स्लोप कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करेंगे कि डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है। एग्जाम्पल फर्स्ट में ये ग्राफ दिया हुआ है, पोजिशन टाइम ग्राफ है, टी हमने नहीं कुछ लिखा, ये टाइम हो गया और एक्स हमारा पोजिशन। ये टाइम एक्सिस पर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 6 सेकेंड 10 सेकेंड दिखलाया गया है, ए बी सी डी चार पॉइंट दिखलाया गया है। आपसे पूछा क्या गया है, इन द गिवन पोजीशन टाइम ग्राफ फाइंड द टाइम एट विच पार्टिकल इज फाउंड टू बी रेस्ट, कितने टाइम पर पार्टिकल रेस्ट में आपको मिलेगा। अब देखिए इसके सॉल्यूशन से पहले ये आप समझने का प्रयास कीजिए कि पार्टिकल इज फाउंड टू बी इन रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगा तभी पार्टिकल रेस्ट होगा, और वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या है, स्लोप जीरो होना चाहिए, डी एक्स वाई डी टी स्लोप वैल्यू ये जीरो होना चाहिए। आप देखिए कि ग्राफ में स्लोप कहां कहां पर जीरो है, जो दिया हुआ ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, और हमने कहा था कि अगर कर्व लाइन है तो कर्व लाइन पर अलग अलग पॉइंट पर टेंजेंट लाइन बना लीजिए, टेंजेंट लाइन अलग अलग पॉइंट पर जो आप डिस्क्राइब करेंगे वही आपका स्लोप वैल्यू बताएगा, और उसका एंगल क्या डिस्क्राइब हो रहा है टाइम एक्सिस के साथ। जैसे देखिए ए बी पर बी पॉइंट पर अगर स्लोप हम लोग बनाते हैं तो ये बी पॉइंट पर स्लोप ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टल, सी पॉइंट पर स्लोप हॉरिजॉन्टल जा रहा है। आप लोगों को याद होगा कि हमने कहा था कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल या टाइम एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होता है तो ये यहाँ से पैरेलल होने से 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसलिए स्लोप का वैल्यू 0 होगा। तो जितने भी स्ट्रेट लाइन या टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस गिव्स द 0 स्लोप, ये आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बी सी डी पॉइंट पर हम लोग क्या देख रहे हैं, स्लोप एट बी सी एंड डी पॉइंट्स इक्वल टू 0। स्लोप बी सी एंड डी पॉइंट पर 0 है, दैट इज बी सी एंड डी पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, इसका मतलब ये निकालेंगे कि सारे टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस का रोल कौन प्ले कर रहा है, टाइम एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस गिव्स द 0 स्लोप। हालांकि ये बात को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से इन बातों को डिस्कस कर रहे हैं। फिजिक्स में एक स्टेटमेंट की तरह आप कभी भी इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट इज टाइम एक्सिस गिव्स द 0 स्लोप। अब इसके बाद पूछा गया था कौन सा टाइम पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा, तो 0 स्लोप कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, बी सी एंड डी पर, तो बी के सामने देखिए तो टाइम क्या होगा। यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया ये हमारा कॉन्सेप्ट था, अब आंसर क्या होगा, आंसर देखिए तो आंसर हो जाएगा बी पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है, 2 सेकेंड पर, फिर सी पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है, 6 सेकेंड पर, फिर डी पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है, 10 सेकेंड पर, मतलब पार्टिकल रेस्ट में होगा 3 ऐसा टाइम है, 2 सेकेंड पर भी पार्टिकल रुका हुआ रहेगा, 6 सेकेंड पर भी पार्टिकल रुका हुआ रहेगा, 10 सेकेंड पर भी पार्टिकल रुका हुआ रहेगा, मतलब पार्टिकल का रुका हुआ होने का ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल
एग्जाम्पल नंबर वन के बाद एग्जाम्पल नंबर टू बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको इसके डायग्राम को आप इत्मीनान से देखें। जो एग्जाम्पल वन का डायग्राम था, एग्जाम्पल टू का डायग्राम वही तो नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। मैंने क्या कहा, थोड़ा सा चेंज। क्या थोड़ा सा चेंज है उस पर आप नज़र रखें। आप पीछे का डायग्राम देख रहे होंगे, ये डायग्राम देख रहे होंगे, थोड़ा सा चेंज है। वह पीछे में डायग्राम का स्टार्टिंग यहाँ से था, यहाँ जीरो से स्टार्टिंग था। इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। इन द गिवन पोजिशन टाइम ग्राफ फाइंड द टाइम एट विच एवरेज वेलोसिटीज। उसमें पूछा था कितने टाइम पर वेलोसिटी जीरो होता है। तो वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ। लेकिन गलती से भी ना समझेंगे कि एवरेज वेलोसिटी इज स्लोप। एवरेज वेलोसिटी स्लोप के बराबर नहीं होता है। एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन हमने समझाया था आपको कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। बट यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जीरो दिया हुआ है, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो अगर हम लोग पुट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम जीरो हो जाएगा। टाइम तो कभी जीरो होगा नहीं, जब इंटरवल ले रहे हैं, पार्टिकल का पोजीशन ट्रैवल हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो यहाँ पर टाइम को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। ये क्लियर है कि एवरेज वेलोसिटी जीरो होने के लिए डिस्प्लेसमेंट जहाँ पर जीरो होगा वहीं पर ये पॉसिबल है। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो तभी होता है जब फाइनल पोजिशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजिशन होता है। फाइनल पोजिशन जब इनिशियल पोजिशन के इक्वल होता है तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो होता है। अब जब आप देखिए कि जब पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल टाइम टी वन इक्वल टू जीरो पर इसका पोजिशन कितना है, ऐसा कुछ दिया हुआ तो नहीं है ग्राफ में, बट जो भी मर्जी लगे आप मान लीजिए। हमने मान लिया ये 20 मीटर है, आपको लगे मान लो 50 मीटर है, कुछ भी दिया हुआ नहीं। हम कुछ भी डेटा को समझने का प्रयास किया कि टी इक्वल टू जीरो पर 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर कुछ होगा, हमने 20 मान लिया। तो इनिशियल पोजिशन टी वन इक्वल टू जीरो पर एक्स वन इक्वल टू 20 मीटर है। अब हम देखेंगे वह कितना टाइम है जिसके बाद फिर से पोजिशन 20 मीटर मिल रहा है। तो 20 मीटर पोजीशन आप देखेंगे तो यहां के बाद फिर यहां पर मिल रहा है। फिर यहां से आप आगे बढ़ें, फिर पोजीशन 20 मीटर यहां पर मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारा टाइम है जहां पर एवरेज वेलोसिटी जीरो। फिर इसके बाद आप बढ़ें तो ई पॉइंट पर, तो ई पॉइंट पर भी बढ़ेंगे तब भी पोजीशन 20 मीटर है। तो पॉइंट को नेमिंग हम यहाँ पर कर देते हैं, प्रॉब्लम में दिया नहीं है डायग्राम में, एम पॉइंट यहाँ लिख दिया। तो जो स्टार्टिंग यहाँ पर हो रहा है वही यहाँ पर भी है। यहाँ से बी सी डी ई दिखलाया है, इस पॉइंट का नेमिंग ए कर लेते हैं, ए बी, यहाँ पर एम ले लिया, फिर यहाँ पर एक पॉइंट एन ले लिया। अब देखिए ए पॉइंट, एम पॉइंट, एन पॉइंट, तीनों 20 मीटर पोजिशन बता रहा है। ई पॉइंट तो ये भी कितना पोजीशन बता रहा है, 20 मीटर। तो जहाँ जहाँ पर पोजीशन 20 मीटर है तो एक तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल क्लियर हमें पता नहीं है कि कितना, हम गेस कर सकते हैं, क्लियर पता नहीं है। यहाँ पर भी देखिए तो क्लियर टाइम हमें पता नहीं है, एक गेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम क्या है, क्लियर पता है। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होने के लिए T1 इक्वल टू जीरो, X1 इक्वल टू 20 मीटर है, तो X2 इक्वल टू 20 मीटर कितने पॉइंट पर मिल रहा है, एट M, N एंड E, तीन पॉइंट है जहां पर कि पोजीशन फिर से क्या मिल रहा है, 20 मीटर। इसलिए एवरेज वेलोसिटी जीरो कहां कहां पर होगा, एवरेज वेलोसिटी इज जीरो एट पॉइंट M, N एंड E। लेकिन हमसे तो पॉइंट नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया था टाइम। तो टाइम क्लियर पता कहाँ पर है, E पॉइंट पर।
तो आंसर हम क्या करेंगे, एट टी इक्वल टू 12 सेकेंड एवरेज वेलोसिटी जीरो, एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। लेकिन किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा, देखिए ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्टिव जब पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में अगर 12 सेकेंड ऑप्शन तो एक देगा ही, और बाकी अगर कोई पॉइंट का ऑप्शन देता है तो उस गेस से हम निकालेंगे यहाँ पर टाइम का कुछ क्लियर फिगर दिया हुआ रहेगा, यहाँ टाइम का कुछ क्लियर फिगर अदर जगह पर नहीं है, इसलिए आंसर में हम केवल क्या करेंगे 12 सेकेंड। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो कितने टाइम पर हो रहा है, तीन टाइम पर, एक एम के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम, एक एम के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक ई के कॉरेस्पॉन्डिंग, बट ई के कॉरेस्पॉन्डिंग हम कन्फर्म है इसलिए आंसर ई के लिए कर रहे हैं। अब सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच वेलोसिटी इज नेगेटिव, कौन सा टाइम इंटरवल में वेलोसिटी नेगेटिव है ये भी पूछा जा सकता है। फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच वेलोसिटी इज पॉजिटिव, टाइम इंटरवल वह भी पूछा जाएगा जिसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है। जब नेगेटिव का डिसीजन लेना सीख जाएंगे तो पॉजिटिव का डिसीजन लेना आप खुद खुद सीख जाएंगे, इसलिए एक ही पार्ट आपके सामने हमने रखा है, दोनों पार्ट का कॉन्सेप्ट एक ही है। सेकेंड पार्ट में किस इंटरवल में वेलोसिटी नेगेटिव होगा ये जानने के लिए क्या करेंगे कि प्रत्येक इंटरवल, जैसे ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई, टेंजेंट लाइन हम डिस्क्राइब करेंगे। हमने आपको बताया था कि जब स्लोप नेगेटिव होता है तो थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो सबसे पहली बात कि टाइम इंटरवल इन विच वेलोसिटी इज नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव का सेंस क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव का सेंस है स्लोप नेगेटिव, और स्लोप नेगेटिव का क्या सेंस है, स्लोप नेगेटिव का क्या सेंस है, एंगल विथ एक्स एक्सिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये थीटा हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, स्लोप एंगल। अब टेंजेंट लाइन बनाकर आपको देखना पड़ेगा कि कहां कहां पर 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। ये डायग्राम जो बना हुआ है आप लोग चाहें तो अपने कॉपी में अलग से भी डायग्राम बनाएंगे, बट इसी डायग्राम में हम टेंजेंट लाइन बनाकर आपको समझा रहे हैं कि कहां कहां पर स्लोप नेगेटिव होगा। ये देखिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, आप चाहें तो बिना टेंजेंट लाइन प्लॉट किए भी बता सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आपने पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा से पहले स्लोप पॉजिटिव होता है और बाद में स्लोप नेगेटिव होता है, मतलब ए से बी में, ए से बी में स्लोप पॉजिटिव होगा, बी पर जीरो होगा, फिर बी से सी में नेगेटिव होगा। हमने आपको ये समझाया था कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा ऐसा पॉइंट होता है जहां पर स्लोप का वैल्यू जीरो होता है और उसके एक साइड वैल्यू पॉजिटिव तो दूसरे साइड वैल्यू नेगेटिव होता है, एक साइड वैल्यू पॉजिटिव और दूसरे साइड वैल्यू नेगेटिव होता है। तो जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का एक साइड हम डिसाइड कर लेंगे तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का दूसरा साइड भी क्या करेंगे, डिसीजन हो जाएगा। तो ये साइड अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, फिर ये जीरो हो जाएगा सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर जीरो, सी से डी तक क्या होगा, फिर उसी तरीके से बढ़ते जाइए। ये मिनिमा का पॉइंट है तो मिनिमा का ये साइड अगर नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होगा, तो सी डी आपका पॉजिटिव हो जाएगा और डी ई आपका नेगेटिव हो जाएगा। एक तरीका सोचने का ये है, लेकिन दूसरा तरीका भी हमारा सोचने का होता है। दूसरा तरीका है कि आप टेंजेंट लाइन बना लीजिए, जैसे बी से सी में कहीं भी एक पॉइंट पर टेंजेंट लाइन बना लीजिए, तो कहीं भी एक पॉइंट पर टेंजेंट लाइन बना लेंगे तो ये टेंजेंट लाइन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। अब यहाँ के बाद ये साइड अगर आप देखेंगे तो थीटा लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ पर इस पार्ट में कहीं पर आप टेंजेंट लाइन बनाकर देखेंगे
तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री इधर भी है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री इधर भी है। तो आप क्लियर देख रहे होंगे कि बी से सी में स्लोप नेगेटिव है, हम लोग पहले भी डिसाइड वही किए थे। फिर देख रहे हैं बी से ई में स्लोप नेगेटिव है, हम लोग वही डिसाइड। तो एक तरीका है कि मैक्सिमा के लेफ्ट साइड पॉजिटिव होता है, राइट साइड नेगेटिव होता है, उसके आधार पर प्लस माइनस आप डिसाइड कर दीजिए। और दूसरा तरीका टेंजेंट लाइन, दोनों तरीका एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, हमारा आंसर हो चुका है। हमें देखना था कि स्लोप एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर कहां पर है। तो एक बीसी पोर्शन है, तो बीसी में देख लीजिए तो टाइम इंटरवल कुछ डिफाइन किया है 2 से 6 सेकेंड। बीसी मतलब टाइम 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड। इसके बाद डीई, डीई की बात करेंगे तो डी 10 दिया हुआ है और ई 12 दिया हुआ है, तो डी 10 सेकेंड टू 12 सेकेंड। 10 सेकेंड टू 12 सेकेंड में वेलोसिटी नेगेटिव होगा, 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड में वेलोसिटी नेगेटिव होगा। तो आंसर हमारा एक ये हो जाएगा और एक आंसर हमारा। इसी के साथ आप ये भी सीख लीजिए, अगर पॉजिटिव पूछता था तो ए बी के लिए पॉजिटिव होगा, 0 से 2 पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाता तो पॉजिटिव 0 से 2 में हो जाता, फिर पॉजिटिव सी से डी में होता, तो सी पॉइंट 6 है और डी पॉइंट 10 है, तो 6 से 10। तो पॉजिटिव अगर आपसे पूछेगा तो खुद को खुदा कर लेंगे, नेगेटिव का आंसर हमने समझा दिया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल 2 के बाद एग्जाम्पल 3। डायग्राम दिया हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया हुआ है, हमें कैलकुलेट क्या करना है। वेलोसिटी है टाइम t इक्वल टू 1 4 7 10 सेकेंड, ये सब टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। माइंड कीजिए 1 सेकेंड कहाँ पर, 0 से 2 के बीच में होना। इसके बाद 4 सेकेंड 2 से 6 के बीच में है, 7 सेकेंड 6 to 8 के बीच में है, 10 सेकेंड 8 to 12 के बीच में। यहाँ पर 1 2 3 4 फोर टाइम दिया हुआ है, जहाँ पर 4 इंस्टेंट है, 4 मोमेंट है जहाँ पर वेलोसिटी पूछा गया। अब थोड़ा सा गेस कीजिए, 4 ही मोमेंट क्यों पूछा है, 5 भी पूछ सकता है, पूछ ही सकता है, बट ये 4 जो दिया गया है कॉन्सेप्ट आप समझिए। यहाँ पर O से A की जब आप बात कर रहे हैं तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, और एक सिंगल स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी बदलता नहीं है, और आप जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वह स्लोप होता है, और स्ट्रेट लाइन चूंकि दिया हुआ है हर जगह, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब कौन सा स्ट्रेट लाइन लेंगे तो टाइम पर डिपेंड करता है। जब 1 सेकेंड आप लेंगे तो 1 सेकेंड पर देखिए तो कौन सा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, OA। 1.5 भी देता तब OA, 0.5 भी देता तब OA। इसका मतलब क्या है, 1, 1.5, 0.5 सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, OA। 4 सेकेंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी को। 7 सेकेंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी को। 10 सेकेंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डी, इसको आप चाहें तो डी ले लें, ये सी डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब बारी बारी से देखते हैं, एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ओ ए, ओ ए स्ट्रेट लाइन का स्लोप। अब ओ ए स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो ओ ए देखिए तो यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को अगर हम थीटा 1 ले लें तो ये स्लोप कितना हो जाएगा, टाइम थीटा 1। और टाइम थीटा 1 हम निकालेंगे कैसे, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 50 हो गया, बेस वैल्यू 2 हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड। अब टी इक्वल टू 4 सेकेंड की बात करें तो 4 सेकेंड कौन सा स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, ए बी में। 5 भी देता तब भी ए बी, 3 देता तब भी ए बी, तो टी इक्वल टू 4 सेकेंड ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी।
और स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन AB की अगर बात करें तो ये स्लोप कितना है, जीरो है, तो टैन जीरो डिग्री इक्वल टू जीरो हो गया। तो 4 सेकेंड पर वेलोसिटी जीरो हो गया, 1 सेकेंड पर 25 मीटर पर सेकेंड। अब किस पर कैलकुलेट करना है, 7 सेकेंड, तो 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, BC। तो एट टी इक्वल टू 7 सेकेंड वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, और BC का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो BC लाइन जो है यहां से एंगल ऐसे बना लेंगे, ये अगर थीटा 1 है तो ये क्या होगा, थीटा 2। अगर ये थीटा 2 हमने ले लिया तो ये टैन थीटा 2 आप देख लीजिए तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बन रहा है, और ये 90 डिग्री से क्या है, स्मॉलर पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो ये थीटा 2 जब हम निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो कितना होगा, डायग्राम में देखिए ये 100 है, ये पॉइंट ये 100 पर है और ये 50 पर है, तो ये 100 और 50 का डिफरेंस वैल्यू होगा। इस पॉइंट को अगर एम मान लें तो अलग से हम एक डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं, बी बी सी एम थीटा 2, तो C से M तक का वैल्यू है 50 और B से M तक का वैल्यू है 8 - 6 2। तो यहां से देखिए तो स्लोप ऑफ BC भी कितना निकल आएगा, टैन थीटा 2, और टैन थीटा 2 क्या होगा, 50/2 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। C से D में क्या होगा, C से D की अगर बात करें तो C से D में जो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है 10 सेकेंड के लिए मिलेगा, 9 भी रहता तो भी वही होता, 11 रहता तब भी वही होता। तो एट T इक्वल टू 10 सेकेंड वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन CD, CD स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमें निकालना है, और CD स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालेंगे तो ये एंगल थीटा 3 ले लेंगे, थीटा 3 ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो थीटा 3 ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो निश्चित रूप से ये स्लोप नेगेटिव है। अब यहाँ से देखिए ये थीटा 3 इधर से है, लेकिन इधर तो कोई ट्रायंगल है नहीं कि परपेंडिकुलर बाय बेस करें, इधर थीटा 3 है तो इधर से क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा 3, अंदर से कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री माइनस थीटा 3। अब यहाँ से आप देखें तो ये CD का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन CD इक्वल टू माइनस टैन थीटा 3, या डायरेक्ट लिखो पहले आप टैन थीटा 3 माइनस साइन हम बाद में यूज करेंगे, थीटा 3 एंटी क्लॉकवाइज में है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, नेगेटिव तो आएगा ही, बट डायरेक्ट हमने लिखा टैन थीटा 3, लेकिन टैन थीटा 3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर थीटा 3 है राइट, तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर अगर ये एंगल को कोरिलेट करते हैं तो यहाँ पर साइड में हम आपको समझा रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। आप ये परपेंडिकुलर 100 अगर देखें, ये ट्राइंगल अलग से हमने बना दिया, D पॉइंट C पॉइंट H पॉइंट, ये आपका है 180 डिग्री माइनस थीटा 3, तो 180 डिग्री माइनस थीटा 3 अगर है तो यहाँ पर ये कितना है 100, और ये कितना है 8 - 12 4 हो गया ये। अब देखिए तो यहाँ पर tan का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा 3 इक्वल टू 100/4 इक्वल टू 25। tan 180 डिग्री माइनस थीटा 3 का वैल्यू ये है, आप लोग क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, इसका मतलब क्या है कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा 3 25 है, तो tan थीटा 3 का वैल्यू माइनस 25 होगा। तब यहां से हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं
टैन थीटा 3 इज इक्वल टू -25 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से आप देखें वेलोसिटी चारों पोजीशन पर निकल गया है, हमारा टोटल आंसर कुछ है। आप फिर से देखें तो प्रत्येक पार्ट में हमारा एक ही काम था, स्लोप निकालना, और स्ट्रेट लाइन था तो स्लोप के लिए टाइम एक्सिस से एक्स एक्सिस से एंगल अगर पता है तो आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। OA और AB और BC ये आपको बिल्कुल आसान लगा होगा, CD में कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज वो इसलिए करते हैं कि यहाँ पर स्लोप निकालने के लिए ये जो एंगल आता है ये एंगल ट्रायंगल के अंदर नहीं है, इसलिए एक स्टेप हमने बढ़ाकर आपको समझाया है कि ट्रायंगल से बाहर थीटा 3 है, यही हमारा आंसर में यूज होगा टेन थीटा 3, तो इसको अंदर से यूज करेंगे तो 100 माइनस थीटा 3 होगा। और ये ट्रायंगल जो यहाँ से उठाकर ये ट्रायंगल हमने यहाँ पर बनाया है, इसमें ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो 100 माइनस थीटा 3 का वैल्यू हमने टेन 180 डिग्री माइनस थीटा 3 इक्वल टू 100 बाई 4 कैलकुलेट किया है, दिस वैल्यू इक्वल टू 25। और हमने कहा कि टेन 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, इसलिए माइनस टेन थीटा 3 इक्वल टू 25 होगा। आप चाहें तो साइड में यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिए माइनस टेन थीटा 3 इक्वल टू 25, तो माइनस टेन थीटा 3 इक्वल टू 25 है, तो tan थीटा 3 इक्वल टू माइनस 25। एग्जाम्पल 3 के बाद एग्जाम्पल 4 बोर्ड पर जो डायग्राम बनाया हुआ है वेलोसिटी टाइम डायग्राम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप पहले से ही जान रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है डीवी बाई डीटी और दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, मतलब हमारा काम यहाँ पर क्या है, स्लोप अगर कैलकुलेट कर लें किसका, स्ट्रेट लाइन एबी का, एक ही स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी बदलता नहीं है, तो स्लोप एम इक्वल टू डीवी बाई डीटी इक्वल टू एक्सेलरेशन, इसलिए एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ एबी, स्लोप ऑफ एबी। अब स्लोप ऑफ एबी के लिए हम ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, यहाँ एक्स के बदले टाइम एक्सिस है, पीछे की ओर आप बढ़ा दें, पीछे की ओर बढ़ा दें तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बन रहा है थीटा, तो स्लोप ऑफ एबी इक्वल टू टाइम थीटा। लेकिन यहाँ से टाइम थीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर पता है लेकिन बेस यहाँ से यहाँ तक पता नहीं, तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ से यहाँ तक नहीं यूज करके हम इसके पैरेलल ये लाइन बनाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ये आपको अपना सेंस लगाना है, इसके पैरेलल जब लाइन बनाएंगे तो ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, तो अगर टेन थीटा हम इस ट्रायंगल से निकालें तो भी वही बात है, बड़ा ट्रायंगल से निकालें तो भी वही बात है, लेकिन बड़ा ट्रायंगल में डेटा अवेलेबल यहाँ तक नहीं था और इस छोटा वाला ट्रायंगल में ये डेटा अवेलेबल है। ये वैल्यू देखिए कितना होगा 12 माइनस 4 8, और ये वैल्यू कितना है 8, तो टेन थीटा कितना हो गया 8/8, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया एग्जाम्पल फोर के बाद एग्जाम्पल नंबर 5। इन द गिवन पोजीशन टाइम ग्राफ, एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आप अच्छे से इसको देखें, राइट द इंटरवल फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, किस इंटरवल में पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, किस इंटरवल में रिटार्डेशन होगा, किस इंटरवल में जीरो एक्सेलरेशन, ये आप डिसाइड कैसे करें। तो इसके सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए फर्स्ट का डिसीजन अगर लेना है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, वेलोसिटी जब इंक्रीज करता है तो वैसे केस में पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इंक्रीजेज का मतलब वेलोसिटी का सेंस स्लोप से है
पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वेलोसिटी इंक्रीजेज आई मीन स्लोप इंक्रीजेज। अब आपको देखना है कि कौन सा इंटरवल है जिसमें स्लोप इंक्रीज कर रहा है। तीनों इंटरवल को चेक कीजिए। बीसी इंटरवल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, इसलिए न तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है न तो डिक्रीज हो रहा है। तो बीसी इंटरवल जो है कॉन्स्टेंट स्लोप, और कॉन्स्टेंट स्लोप का मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब जीरो एक्सेलरेशन। मतलब बीसी इंटरवल जो है तीसरा पार्ट का आंसर जो है जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगा। वेलोसिटी कॉन्स्टेंट तभी रहेगा जब स्लोप कॉन्स्टेंट रहेगा, और स्लोप कॉन्स्टेंट आपका बीसी पार्ट रहेगा। चलिए, हमें तो डिसीजन लेना था फर्स्ट पार्ट का, ये बात अलग है कि उससे पहले ही हमने थर्ड पार्ट का डिसीजन दे दिया, आंसर बता दिया इसका। इसके लिए आंसर क्या आ गया, बीसी पार्ट। अब स्लोप इंक्रीजिंग ओए में हो रहा है या ए बी, तो आप देखेंगे कि बी पॉइंट यहाँ पर आकर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर टेंजेंट लाइन बनाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो बी पॉइंट पर स्लोप जीरो है। अब इधर से देखेंगे कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यहाँ से अगर ये जीरो स्लोप हो रहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और आप जानते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा से पहले जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। इधर पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये मिनिमा है ही नहीं, इसका मतलब ये भी स्लोप पॉजिटिव है और ये भी स्लोप पॉजिटिव ही है। अब देखिए ए बी इंटरवल में आपको क्या पता चला, इधर जो भी स्लोप है हमें पता नहीं है लेकिन पॉजिटिव है, और बी पॉइंट पर जाकर क्या हो गया जीरो, तो पॉजिटिव से जीरो होना मतलब स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो ए बी इंटरवल में स्लोप डिक्रीज कर रहा है, इसलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर ए बी पार्ट नहीं होगा। वह किसका आंसर हो जाएगा, सेकंड रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी डिक्रीज करना, स्लोप डिक्रीज करना। फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए स्लोप इंक्रीजिंग देखना है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर टेंजेंट लाइन बनाएंगे तो एंगल इतना बड़ा बनेगा, और यहाँ पर टेंजेंट लाइन बनाएंगे तो एंगल इतना बड़ा बनेगा, तो एंगल यहाँ पर क्या हो रहा है बढ़ रहा है। इसका मतलब ओ से ए में स्लोप इंक्रीजिंग है, तो स्लोप इंक्रीजेज इन ओ टू ए, ओ टू ए में स्लोप इंक्रीजेज है, इसलिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा ओ टू ए। तो इसका आंसर क्या होगा ओ ए इंटरवल इसका आंसर। रिटार्डेशन के लिए बचा हुआ आंसर, तो सेकेंड पार्ट रिटार्डेशन के लिए हमने क्या समझाया, रिटार्डेशन का मतलब होता है मीन्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब स्लोप डिक्रीजेज चाहिए। और अभी अभी हमने आपको समझाया था कि ए से बी पार्ट में पॉजिटिव से जीरो हो रहा है मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा है ए बी पार्ट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए बी पार्ट। तीनों पार्ट का आंसर हमें पता था। इस तरीके से स्लोप कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में कैसे यूज होता है आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे अलग टॉपिक के साथ।